ऋषि उस शिव शंभु की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जो बाट के अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कैलाशी उस शिव शंभु की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जो बाट के अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। वो दानव हुए बड़े प्रसन्न, सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में फिर तो आए। बोले देवता कैसे वापस राज लौट के आए। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु शरण में लेकर जाते हैं। विष्णु जी फिर सब देवों को ये बतलाते हैं। करके सागर मंथन हम अमृत को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जो बाट के अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। शायद बातें लेंगे मान। ब्रह्मा जी की सुनकर बातें विष्णु ने ठाना है। देवों को ये राज स्वर्ग का फिर से दिलाना है। बलि के पास में फिर तो खुद विष्णु जी आए हैं। सागर मंथन के लिए सारे दैत्य मनाए हैं। अमृत की चाह में सारे दैत्य आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो बाट के अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सबको शिव जी याद आए। नारद जी भोले से बोले, आप ही हमको बचाओ। ये सृष्टि बच जाए, विष से रास्ता कोई बताओ। सुन नारद की बात, ऐसा रचा है खेल निराला। सृष्टि के उपकार की खातिर सारा विष पी डाला। लेकिन इन सारे विष को अपने कंठ बसाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। बाटती अमृत हो रोको खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी महिमा।
सोच हमारी, कर ना सकते हैं हम सब तो महिमा तेरी बखान। सुबह शाम लेकिन करते हैं भोले तेरा ही ध्यान। सब भक्तों ने महिमा तेरी श्रद्धा से गाई, हंस राज रहलान को ये पसंद बड़ी आई। खोज सुरेश भी कृपा भोले इतने चाहता है, तुम ही रहते ख्यालों में जब कलम चलाता है। मन मंदिर में मेरे भोलेनाथ समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो बांटते अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।